ये देखो, ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर तुम सवाल देखोगे तो कहते हैं नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर तुम देखोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन्स में विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोशन में नो फोर्स एक्टिंग। नो फोर्स मतलब एक्चुअली फोर्स जीरो है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, दैट इज जीरो। तो मास जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्सलेशन जीरो है। एक्सलेशन जीरो है तो एक्सलेशन की वैल्यू होती है डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ए एक्स टी ग्राफ है, तो इसका जो थीटा है टेन थीटा वो एक्स बाई टी, वो तो वो वेलोसिटी ही तो देता है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तब जाके इसका स्लोप वेलोस कांस्टेंट आएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी और एक्सलेशन जीरो होगा। तो स्ट्रेट लाइन इसमें से कहाँ है, ये वाला जो ए बी पार्ट है वो कर्व है, यहाँ पर देख रहे हो स्लोप डिक्रीजिंग है और यहाँ पर ए बी कर्व है। तो सी डी जो पार्ट है, ये वाला जो सी डी पार्ट है, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब अपना सी ऑप्शन सही है, तो बाकी सारे अपना गलत है। ठीक है, थैंक यू।